हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया फैशन बुटीक में। तो मैं आज आपको ब्यूटीफुल सा स्लीव डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले ही स्लीव की कटिंग कर ली है। इसकी लंबाई मैंने 11 इंच रखी है और चौड़ाई 9 इंच। नीचे की साइड पे हम 8 इंच पर रखे हैं इसको, और इधर 3 इंच पर गैप दे के यहाँ पर मैंने इसको गोलाई दी है। डिज़ाइन बनाने के लिए अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर मार्क कर लिया है। नीचे की साइड पे यहाँ पर 4 इंच का गैप देकर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पर 1.5 इंच पर फिर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब हम इसको डिज़ाइन बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है। जैसे ही मैंने डिज़ाइन ड्रॉ किया है, सेम वैसे ही हम कटिंग कर लेंगे। मैंने अस्तर कपड़े पे कटिंग कर ली है। अब हम मेन वाले फैब्रिक को लेंगे। तो जो हमारा मेन वाला फैब्रिक है उसको हम नीचे रखेंगे सीधा और उल्टा, इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने ये सीधे साइड पे रखा है, फिर उसके ऊपर में ये अस्तर कपड़ा कटिंग वाला रखा है। दोनों को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद अब हम इसमें स्टिचिंग कर लेंगे। तो जैसे मैंने डिज़ाइन को कट किया है वैसे ही स्टिचिंग कर लेंगे, आधा इंच कपड़ा छोड़कर। तो यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है डिज़ाइन के अंदर साइड पे। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। कट करने के बाद अंदर की साइड पे छोटा छोटा कट लगा लेंगे। आप अंदर की साइड पे कट लगाना ना भूलें, क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे तो ये हमारा फिनिशिंग नहीं आएगा, तो इसलिए कट लगाना ज़रूरी है। मैंने इसको यहाँ पर सीधा करके रखा है। अब हम इसके ऊपर में एक सिलाई लगा देंगे। मैंने इसके ऊपर में एक सिलाई लगा ली है। अब हम इसको साइड में रखेंगे। यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल पेपर लिया है, इसमें जो हमारा डिज़ाइन है इसको हम रखेंगे और सेम जैसे हमारा डिज़ाइन बना है वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे। मैंने पेपर में डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है, और जैसे हमारा डिज़ाइन ड्रॉ हुआ है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा पेपर में और ड्रॉ कर लेंगे डिज़ाइन को। ड्रॉ करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पेपर की कटिंग कर ली है। अब हम इसको साइड पे रखेंगे, और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की एक पट्टी ली है। इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पहले यहाँ पर दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसको हम बीच से फोल्ड करके यहाँ पे साइड पे सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पट्टियाँ कट की थी उसको मैंने सिल लिया है। अब हमारा जो पेपर कटिंग है उस पर हम ऐसे सीधा रखेंगे और नीचे की साइड पे सिलते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जितना पेपर है उस हिसाब से स्टिचिंग करके पेपर के अकॉर्डिंग कट कर लिया है पट्टी को, और यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के ऐसे ही सेम पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। मैंने वन साइड पर ये पट्टी को अटैच कर लिया है। अब मैंने दूसरे साइड पे सिलाई नहीं की है। अब हम एक पट्टी एक खड़ा अटैच करेंगे। तो एक पट्टी को ऊपर की तरफ रखेंगे और एक पट्टी नीचे की तरफ, ऐसे ही नीचे तक करेंगे, और यहाँ पर भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने जैसे यहाँ पर ऊपर नीचे रखा है आप भी सेम ऐसे ही रखना,
और स्टिच कर लेना ताकि ये पट्टी हमारा निकले मत। ऐसे ही हम सेम प्रोसेस करेंगे। अब मैंने पूरे पेपर के साइड पर सिलाई कर ली है। अब हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो फाइनली ये हमारा पेपर पर डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको स्लीव पे लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने कटिंग की थी, पहले हम इसको नीचे रख लेंगे। नीचे रखने के बाद इसको ना नीचे से बराबर है या नहीं इसको आप ज़रूर देख लेना, फिर स्टिच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको अटैच कर लिया है। अब हम इसके साइड पे लेस अटैच करेंगे, इससे हमारा डिज़ाइन और अच्छा लगेगा। तो चलिए इसमें अटैच कर लेते हैं लेस को। तो यहाँ पर मैंने लेस को अटैच कर लिया है, लेकिन ये हमारा थोड़ा सा साइड में उठा उठा है, तो इसलिए हम साइड पे भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर मैंने लेस को अटैच कर लिया है। अब हमारा जो नीचे वाला साइड है, तो यहाँ पर हम एक पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है, इसको हम अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद इसके ऊपर में मैंने सिलाई लगा ली है, इससे हमें फोल्ड करने में आसानी होगी। और यहाँ पर जो हमारा पेपर वाला हिस्सा है उसको हम निकाल लेंगे। अब एक बार ऐसे फोल्ड करके हम साइड पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर डबल धागे का यूज किया है और नीचे वाले कपड़े को हल्का सा पकड़ना है और ऊपर वाले में हम ज़्यादा भी पकड़ सकते हैं। मैंने इस पर तुरपाई कर ली है। अब हम इसको सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद यहाँ पर मैं साइड पे लेस अटैच करूँगी। तो जो हमारा ये ब्लाउज में ही मिला था मेरे को लेस, तो इसको हम अटैच करेंगे। इसके साथ डबल लेस मिला था, एक ठो पतला सा लेस है, तो उसको भी हम साथ में अटैच करेंगे। तो ये दोनों लेस को हम अटैच करेंगे। तो पहले जो हमारा सेंटर रहता है उस पर हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमारा लेस है उसको हम बीच से फोल्ड करेंगे, और जहाँ तक ये हमारा लेस आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। इससे हमारा इधर उधर नहीं होता है और बराबर दोनों साइड पे लेस अटैच कर सकते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब हम इसको साइड पे रखेंगे। जो हमारा पहला मार्क है वहाँ पर हम इसको अंदर की साइड पर हल्का सा फोल्ड करेंगे और इसको हम साइड से सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद जो हमारा दूसरा वाला लेस है ना, उसको हम इस वाले लेस के नीचे में रखेंगे और इसको भी साइड से हल्का सा फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। मैंने यहाँ पर लेस अटैच कर लिए है और ये देखिए ये थोड़े से में ही आया है। मैंने दोनों साइड के उस पर लगाया है स्लीव में, तो ये छोटा हो गया है। तो यहाँ पर मैं ईस्ट वाले डिज़ाइन में मोती अटैच करूँगी। तो 1 बाई 1 यहाँ पर मैंने जो हमारा ऊपर वाला
पट्टी है उसमें हम इसको अटैच करेंगे। तो जो हमारा ऊपर से नीचे की साइड पे जो पट्टी है उसमें हम ऊपर से अटैच करेंगे, नीचे वाले हम नहीं करेंगे। तो चलिए अटैच करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पे ही साइड पे लगाया है इसको। मोती को ना टाइटली अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद जो हमारा सुई धागा है उसको ही नीचे साइड से दूसरे वाले हिस्से पे लाएंगे और वहाँ पे हम दूसरा वाला मोती अटैच कर लेंगे। सेम प्रोसेस हम पूरे में ही ऐसे ही करेंगे। मैंने इसमें मोती अटैच कर लिया है और फाइनली ये हमारा स्लीव डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।